फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और जो भी मेरा ब्लॉग वाला वीडियो देखते हैं उन सभी को थैंक यू देखने के लिए। और आपको अगर अच्छा लगता हो तो आप लास्ट तक देखिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर ऑन कीजिए। और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं मेरे तो, और मैं हर वीडियो में कुछ कुछ ज़रूरी चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँगी और कुछ कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन जो भी मुझे पता है आप सबके साथ मैं शेयर करूँगी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मसालेदार पालक की रेसिपी। तो वीडियो को देखना चाहते हैं तो लास्ट तक देखिए मेरा वीडियो, और मैं इसी ब्लॉग के साथ शेयर करूँगी रेसिपी भी। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ कि सानू और परी क्या कर रहे हैं ये दिखाने के लिए। तो अभी तो थोड़ी शांति लग रही है, देखते हैं क्या कर रहे हैं सानू और परी। तो परी क्या कर रही है, तो यहाँ पर परी खा रही है एग। और अच्छा होता है, प्रोटीन अच्छा होता है बेटा हेल्थ के लिए। तो ऐसे मुंह बना बना के नहीं खाते, अच्छे से खाओ, अच्छे से। हाँ ला रही पानी, ला रही पानी पीना है, ला रही ला रही। और सानू क्या कर रही है, सानू को मैं दिखाती हूँ। तो सानू यहाँ पर ये सब सानू तो है ये सब फैला के रखी है नीचे। क्या कर रही सानू, सानू क्या बना रही? इधर देखो, इधर ही वीडियो चालू हो गया, देखो हाय करो। हेलो हेलो, गिर रहा है कुर्सी, कोई बात नहीं, उसको पीछे कर दो, पीछे पीछे कर दो, पीछे उसको। रुको मैं किनारे कर दे रही हूँ, रुको। तो सानू है ये बदमाशी कर रही है, इसके अंदर था इसका सारा खिलौना और इसने इसको फेंक दिया और ये सब फैला के रखा हुआ इसने। क्या बना रही सानू, इसमें क्यों नहीं खेलती बेटा चटाई के ऊपर, ठंडी नहीं लग रही है? ये आइसक्रीम है, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। किसके लिए बना रही है आइसक्रीम? हाँ तो मैं पानी लेकर आती हूँ परी के लिए। और तो इसमें है गरम पानी और मैं लेकर जा रही हूँ परी के लिए। परी घंटी बजी, कौन आया? खत्म करो जल्दी, ठंडा हो रहा है। ठीक है, क्या हुआ सानू, खोलने लगा? तो सानू यहाँ पे दरवाजा खोल रही है, मैं खोलूंगी, मैं खोलूंगी कर रही है सानू। लो मैं, तो यहाँ पर मैंने चाय चढ़ाई है शाम के लिए और चाय बन चुकी है। और इसके पहले, चाय बनाने के पहले मैं सानू और परी के लिए दूध गर्म करती हूँ, दूध बनाती हूँ, बॉर्नविटा वाला दूध पीते हैं दोनों। और इधर साइड में मैंने दूसरे गैस पर पानी चढ़ाया है गर्म पानी पीने के लिए। तो ये रहा सानू का दूध, बॉटल में पीती है अभी तक, और ये गिलास में परी का है और उधर पानी है। तो मैं यहाँ पर पालक की सब्ज़ी बना रही थी, तो पालक को मैंने तोड़ लिया है और अच्छे से धो लिया है और थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसे उबालने के लिए गैस पर चढ़ा दिया है। और साथ में यहाँ पर चाय है मेरी, तो जब तक पालक उबल रही है मैं चाय पीकर आती हूँ। और दूसरी तरफ मैंने गैस पर दाल चढ़ाई है और पालक जो है उबल चुकी है। और आलू को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और दो टमाटर लिया है मैंने पीसने के लिए, और इस पर दो प्याज है, एक छोटा सा एक इंच का अदरक और दो तीन लहसुन और एक हरी मिर्च है। तो इससे मैं मसाला पीसूंगी उसका। और ये जो पालक है उबल चुकी है देख सकते हैं आप, और इसे मैं पानी से अलग कर लूँगी और उसका पेस्ट बना लेना है हमें, मिक्सी में डालकर पीस लेना है इसे। तो आलू को इस प्रकार से फ्राई कर लेना है पहले, अच्छा गोल्डन हो जाए जब तक, और आलू पक भी जाएगा। और पालक का पानी जो है उसे फेंकना नहीं है, इसे हम सब्जी में यूज़ करेंगे। और प्याज का मसाला मैंने पीस लिया है। तो आलू जो है फ्राई हो चुका है, अब मैं इसे निकाल कर अलग कर लूँगी। इतना अपन फ्राई करना है आलू को, और ताकि वो पक भी जाए अच्छे से अंदर तक, इससे अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो आलू की जगह पनीर भी डाल सकते हैं, लेकिन पनीर को आपको फ्राई नहीं करना है, ऐसे ही डालना है। तेल यहाँ पर गर्म हो चुका है, तेल पर मैंने डाला जीरा और उसके साथ मैं इसमें मसाला तैयार करूँगी इसका,
तो प्याज का पेस्ट जो मैंने बनाया था उसे मैं इसमें डाल दूँगी और इसे हमें धीमी धीमी आंच पर पकाना है, अच्छे से मसाले को अच्छे से भूनना है ताकि मसाला एक साथ हो जाए और तेल अलग हो जाए इसका। तो इस प्रकार का हो जाएगा, ये हल्का ब्राउन हो जाएगा तब तक हमें भूनना है और धीमी धीमी आंच पर ही भूनना है। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1/4 छोटे चम्मच जितना हल्दी पाउडर और 1/2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच करीब करीब गरम मसाला पाउडर। तो सारे मसालों को हमें इसमें मिलाकर मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिला लेना है और आंच को धीमी रखना है, नहीं तो मसाला जो है वो जल सकता है। और ये जो मसाला है वो पक चुका है अच्छे से। अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी। और ध्यान रखें कि मसाला जब भी भूनें तो उसे लगातार चलाते जाएं, छोड़े ना गैस पर। तो मैंने यहाँ पर छोटे छोटे 2 टमाटर लिए थे और मैं थोड़ा सा ही सब्ज़ी बना रही हूँ 2 लोगों के लिए। आप चाहें तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं इसकी। और इसके साथ ही मैंने मटर भी डाल दिया यहाँ पर, क्योंकि मटर थोड़ा कच्चा कच्चा सा लगता है। पालक और आलू दोनों पक चुका है तो ये मटर भी मसाले के साथ में थोड़ा थोड़ा पक जाएगा। और इसे हमें चलाना है थोड़ी देर तक, 2-3 मिनट तक भूनना है मसाला को। और नमक भी मैंने टमाटर के साथ ही डाल दिया था। और इसके बाद मैं इसमें पालक डाल दूंगी जिसे मैंने पीस कर रखा हुआ है। तो पालक को भी थोड़ी देर तक डालकर हमें 1-2 मिनट तक पकाना है। और फिर उसके बाद जो पानी निकला था पालक से, वो जो मैंने पालक उबाला था तब पानी बचा था निकला था, उसी को मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी देर बाद। तो ये पक चुका है पालक और उसके बाद मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। और पानी डालने के बाद करीब करीब हमें 5 मिनट तक इसे ऐसे ही पकने देना है अच्छे से। और आप इसमें पानी अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना आप चाहते हैं। तो रेसिपी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर एक ब्लाउज भी बना रही थी तो उसे भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये पेंसिल कट में ब्लाउज है और यहाँ पर मैंने स्लीव्स में हाफ अम्ब्रेला कट दिया है। तो डबल लेयर की स्लीव्स लगाई है मैंने यहाँ पर और अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा बचा है, बस किनारे से सिलाई लगाना बचा है फिटिंग वाली, बाकी पूरा हो चुका है ये। तो अब जब ये पूरा बन जाएगा और बनने के बाद कैसा दिखता है ये भी मैं आपको दिखाऊंगी, शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैं पीछे से, ये बैक ओपन ब्लाउज है तो यहाँ पर मैं पीछे से कट लगाऊंगी और उसके बाद उसमें हुक और आई की पट्टी लगाऊंगी। तो मैंने अभी इसे नहीं लगाया है और इतना ही देखकर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। ये मिलती हूँ अगले वीडियो पर। ओके बाय।